ये घड़ी ना बहुत टाइम से ना बंद पड़ी थी, तो फिर मैंने कहा कि इसको ना इसमें सेल डाल के उसके बाद हम नया कर देंगे, चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा, हमारा टाइम भी अच्छा जाएगा। और वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार ना, जब हम लोग शाम के टाइम संध्या आरती करते हैं तो भूत प्रेत ना ये बंद घड़ी के पीछे छुपते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी साफ करके हटा दिया है। और इसमें सिर्फ बैटरी डालना बाकी है, तो बैटरी डाल दूंगी तो चल जाएगा। और देखो मेरे पति ने काफ़ी अच्छा फिल्टर को साफ कर दिया है, ये ना हर हफ्ते का काम होता है, और इसको अगर हम साफ ना करें ना तो ठंडा नहीं होता है रूम, एकदम गर्म गर्म सा होता है लेकिन ना बहुत लेट ठंडा होता है और बहुत दिक्कत भी होता है, इसलिए मेरे को हर हफ्ते में साफ करवाना पड़ता है। और ये माधव का देखो हैप्पी बर्थडे का जो कैप है, वो इसके पास दो है, तो ये दोनों ना मतलब ख़राब हो गया है, एक ऑलमोस्ट ठीक ही है, उसको मैंने रख दिया है, ये वाला फेंक दे रही हूँ, ये थोड़ा ख़राब लग रहा है मुझे, तो इसी से ना वो पहनता है और वो खुद पहनता है और लोगों को भी पहनाता है, और फिर वो बोलता है टू यू हैप्पी बर्थडे, तो वो बोल नहीं सकता है, बस टू यू ही बोलता है। और यहाँ पे देखो मुझे मिला एक छोटा सा गीता, इसको मुझे अच्छी जगह में रखना है, ये इतने दिन ना वो अलमीरा के ऊपर ही रखा था, तो इसको मैं अभी मंदिर में रख दूँगी। और ये देखो कितना धूल जम गया है, इसको भी मुझे अभी धोना है, इसको ना मैं घिस नहीं सकती क्योंकि इसके जितने भी सफ़ेद वाला जो बॉल बॉल है ना वो निकल जाएगा और वो ख़राब दिखेगा, इस वजह से मैं सिर्फ पानी से ना नॉर्मल धोने की कोशिश करूँगी जिससे धूल हट जाए बस। और देखो धोने के बाद कितना अच्छा चमक गया है, अब इसको धूप में सुखा देती हूँ और फिर शाम को फिर मैं इसको अंदर ले लूँगी, बहुत सुंदर सा हो गया है। ये धूल जब गिरता है ना तो बहुत गंदा दिखता है। और मैंने कुछ चीज़ें जो है ना, जो हैंडी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मैंने वो दूसरे वाले अलमीरा में रखा है जिससे कि मैं इजीली निकाल पाऊँ, और मैं अलमीरा के ऊपर रखती तो फिर से वही हो जाता ना गड़बड़, और मैं देख रही थी इसमें अगर रखूँ तो क्या मैं ईज़िली निकाल सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे को याद आया नहीं माधव बहुत डिस्टर्ब करेगा, इस वजह से फिर मैंने यहाँ से हटा दिया और नॉर्मल कुछ चीज़ें था वो सब मैंने इसमें रखा। और ये एक ना धूप स्टैंड है, ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है, लेकिन ये ना मतलब आजकल मैं धूप इसमें लगा नहीं रही हूँ, लेकिन लगाना पड़ेगा मुझे लगता है, मुझे उतना अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि इसमें ना वो धूप डालते हैं तो फिर अच्छा सा एक झरना टाइप बनता है, तो नॉर्मल धूप से नहीं बनता है, ये अलग ही धूप होता है इसका, तो वो धूप ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे देखो आज मैंने अपने पंखे को भी साफ़ किया है काफ़ी अच्छे से घिस घिस के, मैंने ये वाइप्स से किया है, अगर इस वाइप्स में अल्कोहल होता ना तो फिर और भी चमकता, लेकिन कोई ना बहुत अच्छा ही चमका। और ये बहुत गर्म था, इतना हीट कर रहा था ना, मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा, फिर मैंने बहुत ध्यान पूर्वक ना इसको साफ़ किया और काफ़ी अच्छा चमक गया। और फिर मैंने माधव की जैसे ताली बजाया क्योंकि वो भी कुछ भी काम अच्छा होता है ना उसका, तो वो ताली बजाता है, और मैं भी वैसा ही उसके जैसा करती हूँ, उसको भी थोड़ा बहुत सिखाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। और देखो मैंने ये जयपुर से ये दो कपल लिया था, ये बहुत प्यारे हैं, इनको फिर मैंने यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पे मैंने ये ढोलक रखा है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिख रहा था दिखने में, माधव ने ना सारा तोड़ दिया है लेकिन सजाने के लिए सही है। और आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी के लिए बाय बाय।